हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका सबसे गर्म टेक न्यूज में पूरे YouTube के अंदर। सुड़सुड़ी मचा देते हम लोग। जी हाँ, ये हफ्ता दोस्तों इतनी सुड़सुड़ी मचेगी ना, आप पागल हो जाएंगे। कल परसों तरसों नरसों इतनी अनबॉक्सिंग आ रही है। अरे अभी टेक न्यूज जल्दी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ओप्पो वाले खड़े हैं, अनबॉक्सिंग आएंगी, ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। वैसे दोस्तों पोल की बात करें, मैंने आपसे सिंपल पूछा 4G 5G, 75% लोगों ने कहा फिलहाल के लिए 4G ठीक है, 5G का बाद में देखेंगे, ठीक है। वैसे आज हमने सुबह में किया Redmi Note 10 Pro Max की अनबॉक्सिंग, नहीं देखा है देख लेना, Redmi Note 10 की भी आएगी थोड़े दिनों में, उसके अलावा स्टे ट्यून करना, टेक्नो स्टाइल होगा तो आपको अलग ही मजा आएगा। लाइक करिए दोस्तों, लाइक्स आजकल बहुत मिल रही है, 30,000 पार कर रहे हैं, आज भी कर दीजिए। फटाफट से आज की टेक्नो शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एप्पल से। आईफोन्स पानी में सालों तक रहते हैं, बाहर आते हैं चलते हैं, आसमान से जमीन पर गिरता है चल जाता है। ऐसे एक नया किस्सा है दोस्तों कनाडा का। कनाडा में तो कितनी ठंडी होती है और रिवर तो कितने फ्रोजन होते हैं। आंटी थी एक, ऐसी निकली शहर पर बोट में, हाथ से फोन छूटा, पानी के अंदर चला गया, भूल जाना चाहिए हमें भी, आंटी भी भूल के निकल ली। एक ड्राइवर था, 6 महीने बाद वो अंदर गया ऐसी कुछ खोजने के लिए, उसको आईफोन मिला, आईफोन 11 ऑन किया, चालू हो गया। फिर आंटी को कॉन्टेक्ट किया, उनको जाके उनका फोन दिया और ये किस्सा अभी सामने आया। नया यूट्यूबर है, मैं चैनल की लिंक दे रहा हूँ, एक बार जाके देख लेना, जेन्युइन लग रहा है दोस्तों। लेकिन कितना भी एप्पल कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, मैं किडनियां नहीं दूंगा अपनी, ये मैंने लिख के रख दिया। हाँ, बड़े टाइम बाद नोकिया आया दोस्तों। नोकिया बताया जा रहा है कि वो अपना एक गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है इंडिया के अंदर, अफोर्डेबल रेंज का, और इसका नाम बाहर आ गया है नोकिया G10। जी हाँ, और नोकिया के नॉर्मली फोन्स दोस्तों ठीक होते हैं, महंगे होते हैं, बस सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, बाकी तो मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। लेकिन अब ये जो गेमिंग स्मार्टफोन आ रहे हैं दोस्तों, शायद इससे कुछ अच्छी चीजें नोकिया इंडिया में कर सकता है। अगर कुछ अच्छा करता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आई एम सॉरी बाबू। इंडिया में दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ना आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज अपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रही है, और वैसे भी पेट्रोल डीजल के दाम तो खूब बढ़ गए, लेकिन खैर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो ओला दोस्तों क्या कर रहा है आपको बताया, इंडिया के अंदर बड़ी फैक्ट्री डाल दी है दोस्तों, और उन्होंने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और वो एक साल में 10 मिलियन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की प्लानिंग कर रही है। यानी कि हर 2 सेकंड में एक स्कूटर बाहर आ रही है, ऐसा समझ लीजिए। 10,000 वर्कर्स होंगे और 3,000 से ज्यादा रोबोट्स होंगे जो उनके साथ काम करेंगे। 2022 की एंड तक दोस्तों इंडिया में ना बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको ओला की तरफ से देखने को मिलेगी। बड़ी सी जमीन ले लिया उन्होंने बैंगलोर के अंदर और उनका काम वहां पर चालू है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो ओला यहां पर कर रहा है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है, क्या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं आप इनको परचेस करने के लिए, कमेंट में ना जरूर से बताना। व्हाट्सएप डिसअपीयरिंग मैसेजेस कितने लोग यूज करते हैं, कमेंट में ना जरूर से बताना। अभी तक तो मेरी नौबत नहीं, लेकिन फिर भी एक हफ्ते का आपको टाइम मिलता है, एक हफ्ते बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन अब व्हाट्सएप इसमें चेंजेस कर रहे हैं, पहले आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो 24 आवर्स पीरियड भी दे रहा है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अभी आपके मैसेजेस डिसअपीयर हो जाएंगे, पहले 7 दिन होता था। तो यस, ये अपडेट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अभी मीडिया पर भी वो काम कर रहा है, उसमें भी टाइमलाइन होगा, फोटोज भेजो, वीडियोस भेजो, कुछ टाइम में वो भी डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन चलो वो तो आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए व्हाट्सएप वो विंडोज भी अभी आजकल शो करना शुरू कर दिया है कि 15 मई तक अग्री कर लो वरना निकलो। वैसे उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था मैंने, यहां पर काट देता हूं, वीडियो जरूर से देखना और कमेंट में अपनी राय जरूर से देना। वेरी चीप, अगर घर में किसी ने आपके देख लिया इनकेस कोई भी, बोला इज फाइन, समटाइम्स हो जाता है। एनीवेज, पोको की तरफ से खबर आ रही है दोस्तों, पोको X3 प्रो और पोको F3। एफ का तो श्योर नहीं कि किस नाम से इंडिया में आएगा, लेकिन वो मलेशिया पर लिस्ट हो गया नाम के साथ, पहले US FCC पर गया फिर मलेशिया में गया। इंडिया के अंदर सिर्फ उसके मॉडल नंबर लिस्ट हो रहे, नाम लिस्ट नहीं हो रहा है, तो शायद मुझे डाउट है कि मी 11X, X प्रो वगैरह जो हाल ही में लिस्ट हुए थे उनके नाम के साथ आ सकता है, या पोको F2 क्या होगा, मुझे ये कंफ्यूजन है, मुझे उस पर ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन पोको X3 प्रो ये इसी नाम के साथ में आपको इंडिया में मिलेगा, और इसके भी स्टोरेज और रैम वेरिएंट्स लीक हो गए दोस्तों। 6128 इसका बेस होगा और 8256 इसका हाईर वेरिएंट होगा। कलर की इंफॉर्मेशन भी आ गई है, ब्लू, ब्लैक, ब्रॉन्ज, ये 3 कलर्स में आपको देखने को मिलेगी। तो यस, पोको X3 प्रो मुझे लगता है पहले आएगा इसी महीने, उसके बाद पोको F सीरीज वगैरह की बात करेंगे। लेकिन एक मिनट, आई एम फाइन। वैसे मुंबई के अंदर बताया जा रहा है कि जियो ने अपने 5G टावर्स ना
सेट कर दी और वो काम कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए वो अपने खुद की इंटरनल टेस्टिंग के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियली उन्होंने उसको अवेलेबल नहीं किया है। एयरटेल का भी हैदराबाद में कुछ वैसे सीन चल रहा है, हालांकि एयरटेल ने तो अभी 5G की टेस्टिंग भी किया था, उन्होंने बताया ऐसे, लेकिन खैर आपको बताया पूरे वर्ल्ड में लगभग 22,000 ही 5G टावर है, जिसमें से जियो और एयरटेल का मैं जोड़कर बोल रहा हूँ। इंडिया में 2022 की मिड के बाद से ही स्टेबल 5G नेटवर्क्स आपको मिलेंगे प्रॉपर रेट्स पर, ऐसी यहाँ पर बातें हो रही है। मतलब 2021 भी निकल गया, 2022 भी जाएगा और उसके मिड के बाद से प्रॉपर 5G आएगा। वैसे क्या लगता है दोस्तों, 5G के बारे में आपका क्या ख्याल है? 4G फोन्स ले रहे हैं या 5G वाले ही फोन्स ले रहे हैं? कमेंट में ना जरूर से बताना। फाइनली दोस्तों, OnePlus 9 सीरीज ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गई है, 23 मार्च को इंडिया में और ग्लोबली दोनों जगह लॉन्च हो जाएगी। जी हाँ, और OnePlus जो 9 सीरीज आ रही है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, टीजर भी दिखा दिया, फोन भी दिखा दिया कि हैसलब्लैड कैमरे के साथ में आएगा। उन्होंने ये बताया 1,000 करोड़ का उन्होंने सिर्फ कैमरे में दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया है आने वाले 3 सालों में, जो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और साथ में 8K 30fps, 4K 120fps और 12-bit RAW image का आपको सपोर्ट मिलेगा OnePlus 9 सीरीज में, जो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट सोनी IMX789 कस्टमाइज सेंसर भी होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि OnePlus 9 सीरीज जो है ऐसा लग रहा है कि बड़ा लीप लेने वाली है अगर 8 सीरीज से कैमरे के मामले में कंपेयर करते हैं। तो आने दीजिए, 23 तारीख को पता चलेगा, हमें भेजते नहीं भेजते, वो भी 23 तारीख को ही पता चलेगा। IPL के चाहने वालों, क्रिकेट के चाहने वालों, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, 9th अप्रैल की डेट आ चुकी है और 30 मई तक चलेगा। तो यस, IPL 2021 जो Vivo स्पॉन्सर्ड है वो इंडिया के अंदर अप्रैल 9 से शुरू हो जाएगा। पिछले साल वाला दुबई में हो रहा था, मतलब कोविड की वजह से, इस बार वाला इंडिया में ही होगा। तो यस, आप लोग उसका फुल मजा यहां पर ले सकते हैं। मैं क्या सोच रहा हूं आपको पता है, मीटअप रखते और क्रिकेट खेलते हैं, क्या बोलते हैं? सीरियसली मतलब बहुत अच्छा आइडिया, मीटअप रखते हैं, मतलब बुलाता हूं मैं, बैट बॉल का इंतजाम हो जाएगा, आप लोग लेके हम लोग खेलते हैं, एक 2-3 मैच खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। कैसा लगा आइडिया कमेंट में जरूर से बताना। माधव शेठ जी आजकल बड़े अंड शंड चीजें कर रहे हैं, डोंट नो व्हाई, हो सकता है मे बी रेडमी नोट 10 सीरीज लॉन्च का असर पड़ा हो, लेकिन खैर एक नया उन्होंने पोस्ट किया, बहुत सारी बातें करी, हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। माधव शेठ जी खुद खड़े ये खूबसूरत गाड़ी के बाजू में, हाथ में फोन लिए खड़े, और मेरे को लगता है कि शायद ये गाड़ी वाला वेरिएंट आएगा, या वो स्पीड की बात करें, 5G की बात करें, किसकी बात करें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यस कुछ अच्छा बड़ा कर सकते हैं ऐसा वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो देखते दोस्तों रियलमी 8 सीरीज कितना खास क्या लेके आती है, तो बात की बात है। लेकिन एक पोस्टर लीक हुआ दोस्तों रियलमी 8 सीरीज का, जहां पर ऐसा जेन्युइन लग रहा है देख के, अरे क्या बात है रियलमी 8 सीरीज, लेकिन गौर करो, जूम करो, डेयर टूलिप की जगह डियर टूलिप, आई डाई, मैं उधर ही ऐसा ढेर हो गया था जमीन के ऊपर, मतलब वाह क्या एडिटिंग किया है, जिसने भी किया है थोड़ा पढ़ लेता भाई तो डेयर हो जाता, तो आज शायद हम उसको सच समझते, लेकिन डियर टूलिप जोक्स साइड, मुझे सब पता है, जब होगा टाइम आपको उसके बारे में जरूर से बताएंगे। Xiaomi की तरफ से दो खबरें आ रही है, पहले तो Redmi XL, ये उनका बड़ा सा जो टीवी है ना, मेरे ख्याल से हाल ही में जो 86 इंच वाला, हाँ इसी कुछ जो भी Redmi के 40 सीरीज के साथ में आया था, ये वाला जो टीवी है वो इंडिया के अंदर 17 मार्च को लॉन्च होगा, 17 मार्च को, और मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में कितना बड़ा होता है और कितना खास होता है, अगर हमें भेजेगा भी तो घर में घुसेगा कैसे, समझ नहीं आ रहा, लेकिन खैर दोस्तों ये आ रहा है, देखते हैं कि क्या खास करते हैं वो इस टीवी के मामले में। वैसे दूसरी तरफ चाइना में 10 मार्च को Mi 10S, हाँ Mi 10 सीरीज में एक और फोन आ रहा है Mi 10S, स्नैपड्रैगन 870 के साथ में, और 108 मेगापिक्सल एमोलेड डिस्प्ले वगैरह सब कुछ होगा ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये फोन इंडिया में आएगा नहीं आएगा इसके बारे में नहीं पता, और आएगा भी तो किसके नाम के साथ में आएगा ये भी नहीं पता। वैसे Redmi Note 10 फिलहाल के लिए इसकी अनबॉक्सिंग पेंडिंग है, सैटरडे के दिन कोशिश करूंगा या उससे पहले आपको मिल जाएगी। अगर डर लगा I'm sorry and I apologize for this cheap behavior, dislike मत करना। Anyways, PUBG New State दोस्तों फिलहाल के लिए कोई चांसेस नहीं इसके इंडिया में आने के लिए, पहले PUBG Mobile इंडिया आएगा फिर PUBG New State आएगा, ये ऑफिशियली क्राफ्टन ने खुद कंफर्म किया है कि पहले वो बहुत कोशिश कर रहे हैं पहले वाले के लिए, तो दूसरे वाले के लिए रजिस्ट्रेशन वो लोग ओपन करेंगे। आपको बताए ग्लोबली इंडिया चाइना छोड़ के 50 लाख से ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हुए इस गेम के, जो बहुत बड़ी बात है, मतलब कितना लोग पागलों की तरह इस गेम का इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ साथ। जी हाँ, क्योंकि अगर इंडिया चाइना खोल देता तो करोड़ों हो जाते, लेकिन फिर भी दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। और ये गेम, इसका जो गेम प्ले आने की बात हो रही है 15-16 मार्च के आसपास अगर आएगा, मैं दूसरे चैनल पर, इधर से नहीं VPN लगाएंगे। क्या आपको बताएंगे दोस्तों, इथन ज़करमैन, ज़करबर्ग नहीं वो अलग दिमाग खा रहा है, लेकिन ये इथन ज़करमैन जो है ये वो बंदे हैं जिन्होंने पॉपअप एड्स की इन्वेंशन करी है।
जिसने आज हमारे नाक में दम किया है वो ये बंदा है, और इसने लिटरली माफी भी मांगा पूरे वर्ल्ड से कि आई एम सॉरी क्योंकि आपको आज बहुत झेलना पड़ रहा होगा, यहां वहां से जो एड पॉपअप सो रही वो इसका इन्वेंशन था। आज की न्यूज़ यहां पे खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।